शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीएस लगाव छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। पीएस लगाव छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। बैकडोर एंट्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फर्जी वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जी वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जी टैग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जी टैग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा विभाग होश में आओ, ये तस्वीरें आप शिमला के लोअर बाजार की देख रहे हैं, जहां पर आज जेबीटी जो प्रशिक्षु हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से लंबे अरसे से ये मांग कर रहे हैं, जिस तरह से जेबीटी भर्तियों में बीएड को एलिजिबल किया गया है तो उसका ये विरोध कर रहे हैं। और हालांकि मामला कोर्ट में भी है, लेकिन इस दौरान जो बैच वाइज कुछ एक भर्तियाँ हुई है उसमें जो है वो बीएड को भी शामिल किया गया है, तो उसको लेकर ये अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन यहाँ शिमला में देख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। हालांकि पहले ये ओकओवर का जो है धरना इन्होंने प्रस्तावित रखा था, लेकिन अनुमति नहीं मिली, इसलिए अब लोअर बाजार से होते हुए सीटीओ डीसी ऑफिस तक का ये विरोध प्रदर्शन निकाल रहे हैं। फर्जी टैग बंद करो, फर्जी वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जी वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जी वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बाबा साहिब होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा हक है। अपनी किन मांगों को लेकर आज आप सड़क पर आए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को भी? शिमला में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि बीएड वालों को जेबीटी के बाहर किया जाए, क्योंकि वो एक तरीके की इलीगल भर्ती है जो कि सरासर गलत है। अभी माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जब तक वहां से डिसीजन नहीं आता कि बीएड एलिजिबल है कि नहीं, और 2018 की नोटिफिकेशन का जिसका ये हवाला दे रहे हैं वो नोटिफिकेशन सही है कि गलत है, तब तक जो है इस मामले पे सरकार को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है सरकार ने शिक्षा विभाग की नाकामी है, जो उन्होंने बीएड वालों को एलिजिबल कर दिया और बीएड वालों का रिजल्ट निकालकर एक भी जो है जेबीटी स्टूडेंट्स हमारे इस पोस्ट पे नहीं लग पाया। आपकी ओर से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो जेबीटी टेस्ट है बीएड वालों के पास वो फर्जी है, क्यों इस तरह के आरोप लग? देखिए वो इस तरीके के, क्योंकि 5 नवंबर 2022 को डायरेक्टर द्वारा लेटर इशू किया जाता है एचपी बोर्ड के लिए, जिसमें जो है एलिजिबल किया जाता है बीएड स्टूडेंट्स को जेबीटी टेट के लिए, और उस पे जो हाई कोर्ट द्वारा वो स्टे किया जाता है। अभी तक बीएड स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है जेबीटी टेट देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक स्टूडेंट्स बीएड के ऐसे हैं जिन्होंने जेबीटी का टेट पास किया है, जो कि सरासर गलत है। तो क्या लग रहा है, क्या सही से दस्तावेजों की जाँच नहीं हुई है? जो कमी आ रही है वही कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ नहीं किया जा रहा डिपार्टमेंट द्वारा, डिपार्टमेंट नहीं समझ पा रहा है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स क्या है, उन्हें समझना होगा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर क्या है, अगर वो समझ पाते तो आज ऐसा नहीं होता। कल एक कमेटी बनाई है इस पूरे मसले को लेकर, उससे संतुष्ट नहीं है आप? देखिए वो कमेटी किसी और चीज के लिए बनी है, वो कमेटी बनी है जो 40% लेके स्टूडेंट्स एलिजिबल किया गया और इसमें उन्हें नौकरी दे गई है। 45% टोटल मार्क्स चाहिए, 45% कोर्स में होने चाहिए, उसके 40% उसे जो है इसमें एलिजिबल किया गया और अपॉइंटमेंट दी गई है। आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ओकओवर जाने वाले थे पहले, तो फिर चेंज क्यों किया कार्यक्रम? देखिए हमारा ओकओवर जाने का नहीं था, हमने जो है सीटीओ में ही धरना प्रदर्शन करना था। कब तक आप धरने पर रहेंगे, क्या करेंगे अभी, क्योंकि सरकार हमारी मांग नहीं मांगी जाती तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, कंटिन्यू रहेगा? अच्छा, क्या लग रहा है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है आप चाह रहे हैं कि तब तक फिलहाल प्रोसेस को रोक दिया जाए? नहीं, हम ये नहीं चाह रहे जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता कि कोर्ट किसको ना रोका जाए, तब तक जो है उस आरएनपी रूल्स के तहत भर्ती हो। अगर सुप्रीम कोर्ट से बीएड के फेवर में डिसीजन आता है तो आरएनपी रूल्स भरते हैं, अगर आरएनपी रूल्स नहीं भरे जाते हैं तो शिक्षा विभाग गलतियां करता है, उस गलतियों का भुगतान जो प्रशिक्षकों को भुगतना पड़ता है। रिक्रूटमेंट में देरी इसलिए होती है क्योंकि कोर्ट कचहरी में जाती है, कोर्ट कचहरी में जाने का रीजन एक ही है कि आरएनपी रूल्स के तहत भर्तियाँ नहीं हो रही है। ठीक है।
तो देख सकते हैं आप रोश यहाँ पर ये एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से बीएड को एलिजिबल किया गया है जेबीटी की पोस्ट के लिए, तो उसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। और जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तब तक ये विरोध प्रदर्शन पर रहेंगे। मुझे